नागपुर के सुप्रसिद्ध न्यूरोथेरेपी वेलनेस सेंटर लोगों को स्वस्थ जीवन जीने में मदद करने के लिए समर्पित है। नागपुर के प्रीमियर से अनुभवी न्यूरोथेरेपिस्ट की एक टीम द्वारा स्थापित और नेतृत्व किया गया है। न्यूरोथेरेपी वेलनेस सेंटर में सभी के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता व सर्वोत्तम संभव उपचार और प्रशिक्षण प्रदान करता है। तो आइए मिलते हैं अभिषेक मल्होत्रा जी से, जो कि एक न्यूरोथेरेपिस्ट है, और जानते हैं क्या है न्यूरोथेरेपी। देखिए, ये एक बहुत दुखद बात है कि जो थेरेपी महाराष्ट्र की देन है, जिस थेरेपी का जन्म महाराष्ट्र में हुआ और 70 साल 60 साल मुंबई में जिसके ऊपर काम हुआ, आज वही थेरेपी महाराष्ट्र में पीछे दिल्ली, कलकत्ता, पंजाब, ये सब क्षेत्रों में बहुत काम हो रहा है न्यूरोथेरेपी पे, लेकिन महाराष्ट्र में औरंगाबाद के आगे न्यूरोथेरेपी की पहचान और काम बहुत ही कम है। तो हमारी एक जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है न्यूरोथेरेपी, इसके ऊपर हमको बहुत काम करना अभी बाकी है, और गुरुजी के आशीर्वाद से हम लोग ये काम आगे करने वाले हैं। ये थेरेपी डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी की निकाली हुई थेरेपी है, इसका नाम ही डॉक्टर लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी है। बाकी जो आपको न्यूरोथेरेपी बाहर देखने को मिलेंगी, वो इससे कंपेयर आप उसको नहीं कर सकते, ये टोटली डिफरेंट साइंस है जी। न्यूरोथेरेपी के बारे में अगर बात करें तो न्यूरोथेरेपी यानी लोगों का बहुत हद तक के सोचना जाता है कि मस्तिष्क से रिलेटेड किसी बीमारी के ऊपर थेरेपी काम करती है। जी, जी, जी। लेकिन न्यूरोथेरेपी में ना सिर्फ मस्तिष्क, शरीर के अलग अलग सभी अंगों के ऊपर काम किया जाता है, और ये 1978 में गुरुजी ने इसको न्यूरोथेरेपी नाम दिया था। पहले एक्यूप्रेशर थेरेपी ऑफ डॉक्टर लाजपत राय महाराज, ये नाम से वो काम करते थे। फिर एक डिस्टिंक पहचान देने के लिए उन्होंने न्यूरोथेरेपी शब्द का इस्तेमाल किया, और हमारा काम बॉडी के सभी ऑर्गन्स के ऊपर में, और जैसा गुरुजी ने हमको बताया है कि मस्तिष्क और पेट का डायरेक्ट संबंध है, तो हम दोनों को साथ में लेके चलते हैं। न्यूरोथेरेपी के अंदर में आज डायबिटिक से बहुत सारे पेशेंट डायबिटीज से जी, और अलग अलग तरह की इलाज कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म गोलियां खा रहे हैं। जी, न्यूरोथेरेपी में डायबिटिक लोगों के लिए क्या है क्या? ये आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा है। देखिए, न्यूरोथेरेपी में डायबिटीज के ऊपर बहुत अच्छा काम है, क्योंकि हम पैनक्रियाज को एक्टिवेट करके बॉडी से नेचुरल इंसुलिन निकाल लेते हैं। दूसरा, जो आज की डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंसुलिन रेजिस्टेंस का, उसको भी हम शरीर में ख़त्म कर सकते हैं। आज की डेट में 80% लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस से परेशान है, जो दवाइयों से नहीं ठीक हो सकता। तीसरा प्लस पॉइंट इसमें ऐसा है कि हम बाकी के ऑर्गन्स को भी साथ में स्टिमुलेट करते रहते हैं, पैनक्रियाज के साथ में, लीवर को, किडनी को, गॉल ब्लैडर को, इंटेस्टाइन्स को। तो डायबिटीज़ की जो कॉम्प्लिकेशन है, डायबिटीज़ का पेशेंट जो आखिरी टाइम में जो कॉम्प्लिकेशन फेस करता है मल्टी ऑर्गन फेलियर का, तो हमारे पेशेंट का मल्टी ऑर्गन फेलियर में जाने का चांस बहुत कम है। तो ये तीन हमारी सबसे अच्छी डायबिटीज़ को देन है गुरुजी की, तीन पॉइंट पे हम लोग काम करते हैं। अभी जैसे हाल ही में कोविड का एक बहुत बुरा दौर गया है और पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा देखने आई है, उसमें अलग अलग लंग से लेके अलग अलग अवयव का इंक्लूडेशन था, तो न्यूरोथेरेपी में इस जो प्रॉब्लम से इनको कैसे? देखिए, ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि गुरुजी ने हमको ऑक्सीजन ट्रीटमेंट देके गए थे, जिससे हम बॉडी का नेचुरल ऑक्सीजन बढ़ा सकते हैं बिना दवाइयों की मदद से, और आज कोविड में हमने देखा लोग कैसे एक एक ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए भाग रहे थे एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल। तो ये हमारा ही दुर्भाग्य है कि हम लोगों तक बात को पहुंचा नहीं पाए, आज तक 60 साल होने के बाद में भी हम बात को अपनी पहुंचा नहीं पा रहे लोगों तक। हमारे पास ऑक्सीजन ट्रीटमेंट है जो देने के बाद आपका बॉडी का नेचुरल ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। दूसरा, हम बॉडी से हिपेरिंस निकाल सकते हैं, जो ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करते हुए माइंड के क्लॉट्स, लंग्स के क्लॉट्स, ये सब ठीक कर सकते हैं। तो हमारा काम बहुत ही अच्छा है इसके ऊपर में। आमतौर पे ये भी देखा गया है कि जैसे लोगों की दिनचर्या बदल गई, लाइफस्टाइल बदल गया है, जंक फूड का ज्यादा इंटेक कर रहे हैं, जी, तो इसका इफेक्ट किस तरह कारगर है? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चनिंग किया है, आपको बैक टू बेसिक्स आना पड़ेगा।
कोई भी ट्रीटमेंट आपको करना है तो आपको बैक टू बेसिक्स, समय पे खाना, समय पे सोना, व्यायाम, ये तीन चीजें आपको करना ही करना है। इसका कोई उपाय नहीं है, कोई पर्याय नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। नॉनवेज आपको नहीं खाना है तो नहीं खाना है। तो ये हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है जो हम पेशेंट से पूरा कराते हैं, तो उसके बाद अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो आपको बैक टू बेसिक्स आना ही पड़ेगा, आप कितना भी एडवांस हो जाइए। खाना अगर आपको 32 बार चबा के खाना है तो 32 बार चबा के खाना ही पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जो हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट है जी, जो काफी अक्सर डिप्रेशन में रहते हैं, पोस्ट कोइड एरा में ये प्रॉब्लम ज्यादा आ रहे हैं जी, जी। तो ये जो न्यूरोथेरेपी की जो आपकी ये है प्रोसीजर जो है जी, तो किस तरह उस पे ये हो सकती कॉम्प्लिकेट हो सकती है, उस बारे में बताइए। देखिए, डिप्रेशन को कम करने के लिए हमारे पास में बहुत सारे फॉर्मूले हैं न्यूरोथेरेपी में, जो फॉर्मूले देके हम बॉडी से वो इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं, बॉडी का मेटाबॉलिक प्रोसेस हम बढ़ा सकते हैं, विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमको दवाइयों की जरूरत नहीं है। हमारे इंटेस्टाइन को अगर स्टिमुलेट किया तो प्रॉपर अपना फंक्शन करती है। चैनल के माध्यम से जो देश दुनिया के लोग आपको देख रहे हैं, उनको आप न्यूरोथेरेपी से लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश तो हमारा, मेरा कोई पर्सनल संदेश नहीं है, हमारा संदेश गुरु जी का ही दिया हुआ संदेश है कि हर 6 गांव में एक न्यूरोथेरेपी क्लिनिक होना चाहिए और हर किसी को न्यूरोथेरेपिस्ट की सेवाएं मिलना चाहिए। ये हमारे गुरुजी का जो सपना था उसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, और हम सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप एक बार न्यूरोथेरेपी अवश्य करा के देखिए। और हमारे पास रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, 70-80% हमारा सक्सेस रेट है। विदाउट मेडिसिन हम काफ़ी कुछ काम कर सकते हैं। दर्शकों को आप ये भी बताइए कि आपका जो एडवांस जो न्यूरोथेरेपी सेंटर है जी, कहाँ का वो अवेलेबल है, कहाँ उसकी शाखा है, और यदि पेशेंट चाहे कांटेक्ट करना जी, तो उन्होंने कहाँ कांटेक्ट करना चाहिए, उस बारे में बताइए। देखिए, हमारा जो क्लिनिक है, सेंटर है, वो मंगल मूर्ति स्क्वायर, जयतला रोड, गणेश पैलेस बिल्डिंग में है। और नंबर 8390-790-690 पे आप फोन करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपको ट्रीटमेंट के लिए खाली प्लेट आने की ज़रूरत है तो हम उसके लिए आपको सहयोग करते हैं कि आपका कन्वीनियंस का टाइम जो है उस पर आपको ट्रीटमेंट दिया जाए। धन्यवाद सर। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू।